इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में कम हुई अतिक्रमण की समस्या पर अब जिला कलेक्टर और एसपी ने एक्शन दिखाया है। एसपी और कलेक्टर अमले के साथ बाजार में निकले और सड़क पर दुकानों के बाहर फैले अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। दरअसल मंदसौर शहर में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। बात करें बाजार में अस्थायी अतिक्रमण की तो इसके यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। शहर के मुख्य बाजारों में जगह जगह जाम की स्थिति बन रही है। कालाखेत, आजाद चौक, सम्राट मार्केट, कालिदास मार्ग जैसे कई जगहों पर हालात बद से बदतर हैं। इसका कारण व्यापारियों का दुकान है के बाहर फैला हुआ सामान और जगह जगह अस्थायी अतिक्रमण है। कई बार मुहिम जरूर चलाई जाती है लेकिन कुछ दिनों बाद मुहिम की सांस फूल जाती है। हालांकि इस बार एसपी अनुराग सुजानिया और कलेक्टर दिलीप कुमार यादव टीम के साथ बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए निकले। वाजिब बात है कि कलेक्टर एसपी साथ है तो प्रशासनिक और पुलिस का बड़ा अमला होगा। ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी सहित अन्य संसाधनों से लैस अमले ने शहर के मुख्य मार्गों पर कार्रवाई की है। हालांकि अधिकारियों के आने से पहले कई दुकानदारों ने पहले ही अतिक्रमण समेट लिया। यहां अधिकारियों ने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है। विगत कुछ दिनों में देखने में आया था कि हमारे जो मार्ग हैं शहर के वो मुख्य मेन बाजार के वो काफ़ी सकड़े होते जा रहे हैं क्योंकि उसमें जो आसपास की दुकानें हैं उनका अतिक्रमण होता जा रहा है। साथ साथ अन्य लोग भी अनाधिकृत रूप से उसमें दुकानें बाहर लगाए जा रहे हैं जिसके कारण से वाहनों के मूवमेंट में ही दिक्कत आ रही है। साथ साथ इसका एक सुरक्षा का सबसे बड़ा कंसर्न आता है कि कभी कभी दुर्घटना हो जाए, आगजनी हो जाए तो इमरजेंसी सर्विसेज हैं जैसे फायर ब्रिगेड हो गया या पुलिस हो गई अन्य उनको या एम्बुलेंस हो गई वही इमरजेंसी सर्विसेज पहुंच नहीं पाती है समय पे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सड़क का सुगम बनाने का एक प्रयास किया जाए। विजिट करके जो भी अवैध बाहर दुकान में सामान कुछ लगाते हैं उनको और जो भी हमें लगता है कोई अव्यवस्थित तरीके से कोई ठेला या ऐसा कोई लगे हैं तो एक ड्राइव नगर पालिका के साथ कर रहे हैं और आई थिंक कंटिन्यूस करेंगे इसको, नगर पालिका कंटिन्यूस करेगी इसको। हम जस्ट ब्रीफ करके कि ऐसे ऐसे करना है तो करते रहेंगे और सहमति से ही किया जा रहा है। सभी जो दुकानदार खुद भी आपसी सहमति से अंदर किए जा रहे हैं। मंगलौर केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में वार्षिक मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया। मूर्ति स्थापना दिवस पर भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यति श्रवानंद और प्रांतीय अध्यक्ष भारत विकास परिषद सहित क्षेत्रीय प्रांत उपाध्यक्ष भारत विकास परिषद भी शामिल हुए। स्थापना दिवस पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यति श्रवानंद ने मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर स्थापना दिवस मनाया। साथ ही कॉलेज की बच्चियों द्वारा आयोजन किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर अरविंद कपूर द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल स्वामी यति श्रवानंद ने कहा कि बेटियां देश का गौरव है, बेटियों को मजबूत बनाने के लिए कॉलेज द्वारा बच्चों को जूडो कराटे की शिक्षा दी जा रही है जो कि बहुत ही सराहनीय है। आदरणीय कपूर जी के निमंत्रण पर केवल कन्या इंटर कॉलेज के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में चिकित्सा कैंप का जो यहाँ पर शुभारंभ किया गया है और माँ सरस्वती की जो मूर्ति का अनावरण यहाँ पर किया गया है और कुछ गरीब बच्चों को कपड़े वितरण कार्यक्रम इस संस्था में यहाँ के प्रबंधक भाई रविंद्र कपूर जी द्वारा बच्चों को लेके आते हैं। उसी की वजह है कि जैसे अभी स्वामी जी ने कहा था कि यहाँ पर संख्या ज़्यादा है और जगह हम सरकारी स्कूलों में ये देख रहे हैं कि संख्या ही नहीं रही। उस पब्लिक स्कूल में पढ़ाना एक फैशन के रूप में आ गया है ना कि जरूरत। जरूरत इन्हीं स्कूलों से है। मैं समझता हूँ कि राजनीतिक लोग, अधिकारी लोग यदि इन्हीं स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने लगें, यहाँ पढ़ने लगें तो यहाँ हर तरह की सुविधा उनको मिलेगी और बच्चों को भी उनके साथ में मिलने लगेगी। शिवसेना का हिंदुत्व रक्षा सूत्र कार्यक्रम हरिद्वार के सैनी आश्रम में जिला प्रमुख लाखन सिंह के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश समन्वय एवं प्रभारी भूपेंद्र भट्ट ने मुख्य अतिथि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में शिवसेना का जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। शिव सैनिकों द्वारा जनता के कार्य किए जा रहे हैं जो आगे चलकर शिवसेना का वोट बैंक बनेंगे
और शिवसेना मानिए एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में राजनीतिक रूप से बढ़ोतरी करेगी। देवेंद्र प्रजापति ने कहा कि गढ़वाल मंडल के सभी जिलों में जिला प्रमुखों द्वारा इस तरीके के कार्यक्रम किए जाएंगे और उत्तराखंड में चल रही शिक्षा और चिकित्सा और बेरोजगारी के नाम पर भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रत्येक शिव सैनिक हिंदू रक्षा सूत्र का कलावा एक दूसरे की कलाई पर बांधकर सनातन की रक्षा का संकल्प लेंगे। उत्तर प्रदेश के कोटेद्वार शासन के मंशा अनुसार राशन वितरण करते ही साथ ही कोरोना काल में भी उत्तर प्रदेश के कोटेद्वार प्रधानमंत्री अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क वितरण कर चुके हैं। कोटेद्वार अपने और परिवार के जीवन की परवाह न करते हुए सरकार के दिशा निर्देशों में ई पास मशीन से ईमानदारी के साथ वितरण कर रहे हैं, जिसकी सराहना संपूर्ण भारतवर्ष में की गई है और उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्र देखकर सम्मानित भी किया गया। उत्तर प्रदेश के कोटेदार सरकार के निर्देश अनुसार वितरण करते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को लाभांश 90 रुपये प्रति क्विंटल ही मिलता है, जबकि अन्य प्रदेशों में जैसे हरियाणा में 200 रुपये प्रति क्विंटल, गोवा में 200 रुपये क्विंटल, केरल में 200 प्रति क्विंटल, महाराष्ट्र में 150 रुपये प्रति क्विंटल, राजस्थान में 125 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं गुजरात में 2000 मानदेय दिया जाता है। कोटेदार इसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अन्य प्रदेशों के भांति लाभांश देने की मांग कर रहे हैं, जिससे इस महंगाई को देखते हुए कोटेदारों का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके, अन्यथा कोटेदारों की मांग न पूरी होने पर 1 जनवरी 2024 से उत्तर प्रदेश के राशन विक्रेता राशन वितरण ठप रखेंगे। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक महिला ने मेडिकल स्टोर से एक डिब्बा चोरी कर लिया। महिला द्वारा की गई चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीओ ने बताया कि तहरीर मिलने पर अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। सरसावा के मेन बाजार में स्थित सराफा की दुकान में चोरों ने छत के रास्ते से तिजोरी को काटने का प्रयास किया, जिसमें वो असफल रहे। असफल रहने पर चोरों ने काउंटर में रखे चांदी के हजारों के गहने और गल्ले में रखे हजारों की नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस को एक दुकानदार ने बताया कि 15 दिन पहले भी चोरों के द्वारा दूसरे दुकान में चोरी की गई थी, जिसकी सूचना और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग पुलिस को दी गई थी, परंतु पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। कासगंज में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक अजय कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के गाँव नगला सहजन का रहने वाला है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बाराबंकी के सिद्धौर क्षेत्र अंतर्गत बंभौरी लोधी गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर सर्वप्रथम गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी लेने के बाद गोद भराई और अन्नप्राशन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। विभिन्न योजनाओं के लगे स्टॉल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भ्रमण किया। अपने संबोधन के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से रूबरू करवाया। इस दौरान उन्होंने धारा 370 राम मंदिर मुद्दा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया। संबोधन के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि नेपाल से 3 तस्कर चरस की तस्करी करके शाहजहांपुर से गुजरने वाले हैं। सूचना पर लखनऊ की एसटीएफ ने रोजा पुलिस के साथ मिलकर सुभाष चौराहे के पास घेराबंदी करके चरस के 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जब एसटीएफ ने तस्करों की तलाशी ली तो उनके पास से चरस बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मनोज अवस्थी ने बताया कि एसटीएफ और पुलिस के द्वारा पकड़े गए 3 तस्कर नेपाल के रहने वाले हैं। खास बात यह है कि चरस की तस्करी में शामिल एक महिला तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
एसपी ग्रामीण ने बताया है कि तीनों तस्करों के पास से बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। पुलिस के हत्थे चढ़े चरस तस्कर लवराज शर्मा, रमाधीरज ठाकुर और संयोग का कुमारी ये नेपाल देश में बांके जिले के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर महोदय के अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना रोजा एसटीएफ व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। इनके नाम लवराज, रमाधीरज तथा संयोग कुमारी हैं। इनके पास से 28 किलो चरस बरामद हुई जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 2,80,00,000 रुपए बताई। हरदोई में एक अलग नजारा देखने को मिला। यहां बीच सड़क पर यमराज उतर आए और उन्होंने आते जाते बाइक सवारों को रोका और जीवन के मूल्य को समझाया। यमराज ने यहां लोगों को गुलाब के फूल भी दिए। इस दौरान हर उस बाइक सवार को रोका गया जो बगैर हेलमेट ट्रिपल लोड को लेकर चल रहा था। यहां सभी को रोका गया। बताया गया कि सड़क दुर्घटना होगी तो ये लापरवाही जानलेवा हो सकती है। इस दौरान यमराज ने बताया कि वाहन कैसे चलाना है, हेलमेट क्यों जरूरी है, वाहन के सभी कागजात को दुरुस्त रखना है। दरअसल सड़क दुर्घटना में हो रहे बेतहाशा वृद्धि और लोगों की जा रही जान को देखते हुए जिला की पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। एसपी केशव चंद्र गोस्वामी के निर्देशन पर सीईओ यातायात अंकित मिश्रा की अगुवाई में यह अभियान चलाया जा रहा है। एसपी का साफ कहना है कि पहले लोगों को जागरूक करें और हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित भी करें, साथ ही साथ वाहन कैसे चलाना है इसकी भी जानकारी दें। मैं अंकित मिश्रा, क्षेत्राधिकारी यातायात जनपद हरदोई। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत आज कोतवाली शहर पुलिस व यातायात पुलिस हरदोई द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए आज हमने एक सांकेतिक यमराज को सड़कों पर उतारा और लोगों को ये जागरूक किया कि जो लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं या बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते हैं, इन लोगों को इसके माध्यम से ये जानकारी दी गई कि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको समस्या क्या होगी। ये एक सांकेतिक यमराज के द्वारा हमने लोगों को बताने की कोशिश की। क्या ललितपुर के लगभग 1,25,000 से अधिक बकाया विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक मुफ्त समाधान योजना जल्दी आओ जल्दी पाओ जो ललितपुर में 3 चरणों में चलाई गई है, वहीं 16,000 बकाया विद्युत उपभोक्ताओं और 250 चोरी के केसेस वाले विद्युत उपभोक्ताओं ने लिया एक मुफ्त समाधान योजना का लाभ। विद्युत विभाग अधिवासी अभियंता गोविंद जायसवाल ने विद्युत बकायेदारों का लाभ लेने की बात की है और कहा कि तीसरा चरण 31 दिसंबर तक है, उसको समाप्त होने के बाद बकाया विद्युत बकायेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी एसएसएफ के कमांडेंट राम सुरेश यादव आगरा पहुंचे, साथ ही यूपी एसएसएफ और मेट्रो के अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि आगरा मेट्रो की सुरक्षा यूपी एसएसएफ करेगी, यात्रियों की सुरक्षा अहम जिम्मेदारी होगी। यूपी एसएसएफ मेट्रो स्टेशनों पर तैनात होगी। मेट्रो और यूपी एसएसएफ के कर्मियों में सामंजस्य होगा, अच्छे वातावरण, अच्छे काम और अच्छे व्यवहार से यूपी एसएसएफ की पहचान होगी। सीआईएसएफ की तर्ज पर प्रदेश में यूपी एसएसएफ काम करेगी। मामला प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के जलीलपुर गांव का है, जहां बीते दिनों पहले मृतका का शव ससुराल में मिला। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रथम जांच पड़ताल के बाद शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इधर महिला के पक्ष के लोगों ने बीते दिनों पहले मृतका के साथ हुए विवाद को लेकर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीएम के बाद जब महिला का शव घर पहुंचा तो नाराज परिजनों ने शव को चौराहे पर रखकर जांच की मांग उठाई है। विवाहिता की मृत्यु हो गई थी जिसके संबंध में उसके पिता श्रीचंद निवासी महेशगंज के द्वारा एक मुकदमा थाना संग्रामगढ़ में लिखाया गया था, जिसके पोस्टमार्टम करने के बाद शव गांव ससुराल लाया गया था, जहां पे उसके आंगन में ही शव को दफनाया जा रहा था। वो लोग शव को दफनाने के लिए तथा गिरफ्तारी के लिए नरही चौराहे पे रख करके शव को अपना शोक कर रहे थे। मेरे द्वारा सांत्वना दिया गया है, समझा बुझा करके शव को अंतिम संस्कार के लिए अंतिम कार्यक्रम के लिए भेज दिया गया है
और जो भी अभियुक्त है उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। परिजनों की क्या मांग थी सर? इस परिजनों की मांग थी कि छोटा सा बच्चा था, उसकी जमीन उसके नाम आए, इसके संबंध में उप जिलाधिकारी लालगंज से वार्ता करूंगा, जो नियमानुसार हो सकेगा उस बच्चे की सहायता करूंगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वाले इंडिया।